उसके पास चले जाओ। अब वो व्यक्ति उस डॉक्टर के पास गया, उसने 500 रुपए लिए, बहुत सारी बातें पूछता रहा, दिया कुछ नहीं, केवल 500 रुपए लिए और एक पर्चे पर लिखकर उसे दे दिया कि ये टेस्ट करा के आना, और टेस्ट करा के ही आना मेरे पास, उससे पहले मत आना। और वो टेस्ट कराने के लिए गया तो वहाँ उसके 3-4 हज़ार रुपये लग गए। उसने टेस्ट कराए, मन ही मन गालियाँ देता रहा, भाई उससे तो 30 रुपये वाला अच्छा था, 3 दिन की दवाई देता था, मेरा बुखार उतर जाता था। इसने 500 रुपये लिए, कुछ नहीं दिया, पर्चे पर लिख कर दे दिया और उसमें 2000 रुपये टेस्ट में लग गए। खैर वो रोते पीटते गया उसके पास बुरे मन से। उस डॉक्टर ने देखा और उसको फिर एक पर्चे पर कुछ दवाइयाँ लिख के दे दी कि ये दवाइयाँ ले लेना, ठीक हो जाओगे। और वास्तव में वो उसने वो दवाइयाँ ली और ठीक हो गया, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ी। मेन बात क्या है कि हमारे पास जो समस्या आती है, जैसे अभी हम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, हमारा रविदास मंदिर तोड़ा गया, उससे पहले चुनाव था, क्यों नहीं आपने अपनी सरकार बना ली, क्यों मांगते फिरते हो दूसरे से कि दूसरा मंदिर बना देगा तुम्हारा, क्यों बनाएगा भाई, क्या जरूरत है उसे, वो तो अपना मंदिर बनाएगा ना, तुम्हारा थोड़ी बनाएगा। तुम दूसरों से मांगने की आदत हो गई है, अपनी समस्या का समाधान नहीं चाहते आप। अभी एक साथी भी कह रहे थे कि भाई समस्याओं का समाधान बुलेट है। 89 में माननीय कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था जमुना पार से, मैं जमुना पार में तब 12वीं करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरविंदा कॉलेज से बीकॉम कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुजन संगठक एक अखबार आता था उसमें लाइन आई थी 4 कि जमुना के पुल पर खड़े बोले काशीराम, भगत हरि कृष्ण लाल की कर दो नींद हराम। पूरा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, कभी मिलेंगे जरूर सुनाऊंगा। HKL भगत को दिल्ली में कोई टक्कर देने वाला नहीं था और माननीय कांशीराम साहब ने पहली बार में 90,000 वोट लिए थे आप लोगों से, आप लोगों की बदौलत, और आप लोगों ने दिए थे। बहुजन मूवमेंट बहुत तेजी से चला, बसपा ने जब जब चुनाव लड़ा कोई मैनिफेस्टो कोई वायदा नहीं किया, लेकिन काम ऐसे ऐसे करके दिखाए। 4 बार सरकारें रहीं, सीना चौड़ा आपका किया दिल्ली वालों का कि आपकी वहां पर सरकार है, और हमने क्या किया, हमने गालियां देने का मक्कारी करने का काम किया। 2007 में मैंने 5 सीटें जीत कर दी थी बसपा में, उस समय मैं इंचार्ज था, 17 काउंसलर थे, 17 काउंसलर और टाउन हॉल में बैठा करते थे। टॉपिक पर ही आ रहा मैं, समस्या वो जो आपने वो लिखा ना, आप टॉपिक पर आ जाओ, टॉपिक पर चुनौतियों का खाका कैसे खत्म होगा। हाँ, 17 काउंसलरों ने कुछ डिमांडें रखी थी कि भाई गाड़ियाँ कूड़ा उठाने के लिए होनी चाहिए, गलियाँ बननी चाहिए, उस समय नहीं माना था, माने थे ये लोग उस समय का मेयर, तो 17 लोगों ने टाउन हॉल का दरवाजा बंद करके खूब ठोकाई की थी 17 काउंसलरों ने। उसके बाद खैर नगर निगम के 3 हिस्से कर दिए गए, बहुत सारा कुछ किया गया, वो मांगे मान ली गई और बहुत कुछ काम हो रहा है। अभी भी देखिए समझने की जरूरत है, एजुकेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है और एक सामाजिक क्वालिफिकेशन होती है। कोई भी कितना अच्छा पढ़कर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, अफसर बन सकता है, लेकिन वो समाज का भला करेगा ये जरूरी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तब उन्होंने अपने अंतिम शब्द में कहा कि शिक्षित बनो, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ज्ञान भर देगी, आपके अच्छे बुरे की समझ आपके अंदर पैदा हो जाएगी। बुद्ध ने भी कहा है कि जब तक आप किसी बात को तथ्य और सत्य की कसौटी पर कसकर नहीं देखेंगे तब तक आपको सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और तब तक आप लोगों के भले के लिए काम नहीं कर सकते। जो बहुजन मूवमेंट जो भटक रहा है, हम 85% बहुत अच्छे, दिल्ली में तो सभी धनाढ्य लोग हैं, संपन्न लोग हैं और ताकतवर लोग भी हैं, सभी की बॉडी शायद मेरे से अच्छी है और सभी की सकल सूरतें भी चमकती रहती हैं, क्रीम पाउडर वगैरह यहाँ बहुत मिलता है, सभी खुश रहते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन दिल्ली में ये मजबूत नहीं होते। क्यों, थोड़ा सा पीछे जाएं कि इतिहास खुद जवाब है, उस पर जवाब नहीं होते और मिट्टी की कोख में उतरे बिना गुलाब नहीं होते, तिल तिल करके खुद को जलाना पड़ता है, मुठ्ठियाँ बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े थे तो हमारे ही कुछ लोगों ने उनको हराकर भेजा था, हमारे ही कुछ लोगों ने हराकर भेजा था और बाबा साहब का विरोध किया करते थे,
उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने जब दिल्ली में काम शुरू किया तब हमारे ही लोग माननीय कांशीराम साहब की बुराइयां करते थे, आज वो कहते हैं साहब कांशीराम ने ये किया और वो किया और हम उनके साथ काम करते थे। आज बहन जी जिंदा है, 63 साल की उम्र है, कल उनको मर जाने दो। वो लोग जो आज बहन जी को बुरा कह रहे हैं कल उनकी तारीफें करते नजर आएंगे और ये कहेंगे कि हमने बहन जी के साथ काम किया। मैं अब मेन बात पर आता हूँ। आरएसएस ने 300 से ज्यादा संगठन बना रखे हैं और बहुत सारे समाज में संगठन है, वो सभी सपोर्ट केवल एक बात पर एक ही पार्टी को कर देते हैं और वो अपनी बात मनवा लेते और आप भी उनके बहकावे में आकर उन्हीं को वोट दे देते हैं। 2007 में जब आपके 17 काउंसलरों ने टाउन हॉल के अंदर बंद करके लोगों को पीटा था तो उन लोगों ने मंथन किया कि इन लोगों को कैसे तोड़ा जाए, तो कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर एक नया सगुफा बीच में उछाल दिया आपको पीछे करने के लिए, आम आदमी पैदा कर दी। समाज में से कुछ मक्कार और धूर्त किस्म के लोग उसमें मिल गए और आम आदमी की दिल्ली में सरकार बन गई। अभी भी वही हो रहा, कुछ बहन जी को गाली देते हैं, कुछ अब माननीय कांशीराम साहब हमारे बीच में नहीं है, 2006 में चले गए तो अब उनकी तारीफें करते रहते हैं। साथियों, सम्राट अशोक की बात आ रही थी बीच में, सम्राट अशोक को लोग इसलिए जानते हैं कि उसने कलिंग विजय प्राप्त की थी, कलिंग विजय प्राप्त की थी और उसके बाद धम्म का प्रचार किया था। अगर वो कलिंग विजय प्राप्त नहीं करता, अपने दुश्मनों को खत्म नहीं करता और धम्म का जब प्रचार पूरे जीवन भर करता रहता तो न तो धम्म आगे बढ़ता न लोग उसकी बात को मानते। एक काम और किया था सम्राट अशोक ने, 60,000 चीवर उतरवाए थे जो समाज में समाज को गुमराह करने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए लोग घूमा करते थे, उनके 60,000 चीवर उतरवाए थे और उनको ये आदेश दिया था कि समाज में सही दिशा में काम करना शुरू कर दो नहीं तो अगली बार खाल उतरवा दूंगा। ये समझने की जरूरत है कि समाज आज जागरूक हो चुका है। जो भी नीला पटका डालकर आ जाता है, जय भीम कहकर आ जाता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। जो माननीय कांशीराम साहब को भला बुरा कहते थे, हमने उनको एमपी एमएलए भी बना दिया, दिल्ली से ही बना दिया। लेकिन आज वक्त है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों से सब कुछ छिन चुका है। हमने तो किसी तरीके से नौकरी वोकरी कर ली, हम तो थोड़े से अच्छे भी कपड़े। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।